स्टूडेंट, दिस इज समरीन रजा, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडी चैप्टर 4, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट फॉर क्लास 4. आज हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे. डेजर्ट होता क्या है? द डेजर्ट डेजर्ट रेफर टू अ बैरन लैंड वेयर द रेनफॉल इज सो स्कैंटी दैट इट कैन नॉट सपोर्ट वेरी लिटिल वेजिटेशन. पीस ऑफ लैंड विच हैज़ लिटिल रेनफॉल और ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इट्स कॉल्ड द डेजर्ट. इट मे हैव अ सैंडी और अ रॉकी सर्फेस. तो डेजर्ट हम लोग किसको बोल सकते हैं? एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर बारिश नहीं होती है या बहुत कम, ना के बराबर होती है, और जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है. एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, उसी को हम लोग डेजर्ट बोल सकते हैं. डेजर्ट सैंडी मतलब जहाँ पर पूरा रेत भरा होता है वो भी है, और रॉकी मतलब जहाँ पर पूरा पत्थर हो. India has a huge desert to the southwest of the northern plain. It is partially rocky, partially sandy. It is known as the Great Indian Desert or the Thar Desert. Its area is 225 km wide and 500 km long. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में डेजर्ट आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन में, साउथ वेस्ट का नॉर्दर्न प्लेन में. वे पार्शली रॉकी है और सैंडी, मतलब मिक्सचर रॉकी और सैंडी का. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. और क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट भी बोलते हैं दोनों, ठीक है. इसका अगर हम लोग एरिया देखेंगे तो ये विड्थ में कितना है? 225 किलोमीटर है, और लॉन्ग में कितना है? 500 किलोमीटर. अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लोकेशन क्या है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑक्यूपाई अ मेजर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान. ये वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका जगह है, ठीक है. इट स्ट्रेच फ्रॉम अरावली हिल इन द ईस्ट टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट. दीज हिल ऑब्स्ट्रक द रेन बियरिंग विंड्स. द विंड शेड रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न साइड, हेंस द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस हिल रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. तो ये वेस्टर्न राजस्थान में ऑक्यूपाई करता है इसका एरिया. ये मतलब ये शुरू होता है अरावली हिल ईस्ट में और एंड होता है वेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. और ये रेन बेयरिंग, ये जो हिल होता है वो ऑब्स्ट्रक करता है, जो विंड जो बारिश करने वाली है तो उसको रुकावट पैदा कर देता है. इसके कारण क्या होता है? जो विंड होता है अपने रेनफॉल ईस्टर्न साइड में होता है, जिसके कारण वेस्टर्न साइड में रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट. इसका क्लाइमेट क्या है? द थार डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. The days in summer are hot and long with hot and dry winds blowing during the day. Dust storm or sand storm blow across the area at high speed. क्या होता है? दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा सूखापन और गर्मीपन होती है. और क्या होता है? डस्ट स्टॉर्म का मतलब जो हवा चलती है, पूरा डस्ट जो रेत होती है उसको उड़ा के ले जाती है, तो बहुत स्पीड में, ठीक है. Toward the evening, शाम होते होते the sun get cooler, the nights becoming cool. रात के टाइम ठंडा, दिन के टाइम गर्मी. This happen because the sand की क्वालिटी पता है ना, कि sand बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडा भी रहती है. The sand heated up quickly and cools down very fast. तो winter days pleasant होता है, but winter nights are very cold. अब हम लोग पढ़ेंगे vegetation के बारे. The Great Indian Desert are sandy or barren land due to the lowest rainfall. क्योंकि बारिश नहीं होती तो वो एक तरीके से बंजर ज़मीन है जो पूरा रेत से भरा है. So most part of these region has no vegetation. तो कोई vegetation है ही नहीं. Several streams which appear during the rainy season either rain into salt water lake or disappear into the sand. कुछ कुछ छोटे मोटे झरने भी जो निकलते हैं जब रेनी सीजन होते हैं, तो वो तो या तो सॉल्ट वाटर लेक जो नमकीन पानी में मिल जाते हैं, या तो वो लैंड मतलब सैंड में ही खो जाते हैं, दिखते भी नहीं है. तो सच एरिया आर रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज एज अ रिवर और स्ट्रीम आर नॉट एबल टू फाइंड इन टू द आर नॉट एबल टू फॉल इन टू द सीज और ओशन. इसको बोलते हैं हम लोग इनलैंड ड्रेनेज. द रिवर लूनी फ्लो अक्रॉस द साउदर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट. वहाँ पर हम लोग एक रिवर का नाम सुन सकते हैं, लूनी रिवर है, जो साउदर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट में फ्लो करती है. Wherever there is a little water, जहाँ पर कुछ थोड़े बहुत पानी होते कुछ वेजिटेशन दिखने को मिलते, जैसे डेड पाम खजूर के पेड़ दिखने को मिलते हैं, थ्रोनी बुशेज हो गए, कैक्टस हो गए, बबूल, कीकर, ये सब कुछ प्लांट्स को ड्राई वेदर की आदत है और ये कम पानी में भी हो सकते हैं. विच कैन रिसीव द ड्राई वेदर आर फाउंड इन दिस रीजन.
सच अ प्लेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड इन ओशेज, जहाँ पर थोड़े बहुत पानी जम जाते हैं उसको ओशेज बोलते हैं. पीपल प्रिफेयर टू लीव अराउंड इन ओशेज ड्यूरिंग द एबिलिटी और वाटर विच हेल्प देम टू ग्रो अ फ्यू क्रॉप्स. तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी थोड़े बहुत पानी से वो लोग अपना गुजारा कर सकते हैं और कुछ उगा सकते हैं. द पीपल डोमेस्टिकेट द कैमल्स, वहाँ पर लोग जो ऊँट होते हैं ऊँट को पालते हैं क्योंकि बिकॉज अ कैमल डज नॉट नीड मोर वाटर फूड. कैमल जो है इतनी ज़्यादा खाना और पानी उसको नहीं चाहिए, वो बिना पानी के भी काफ़ी दिन रह सकता है. इट कैन रिमेन अ लाइफ फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर फूड, वो बिना पानी और खाने के काफ़ी दिन रख सकता है. तो हम लोग वहाँ पर लोग जो है कैमल डोमेस्टिकेट करते हैं. कैमल इज़ कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, आपको पता ही है कैमल को क्या बोलते हैं, शीप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है कैमल को. ठीक है. द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ वेरी बिग कैनल, वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा कैनल भी बना जिसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी कैनल. ये क्या करता है, इट टेक वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर एंड इरीगेट अ लार्ज एरिया ऑफ दिस डेजर्ट. क्योंकि पानी की कमी के कारण वेजिटेशन नहीं होता, लाइफ वहाँ पर डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर कैनल बनाया जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनल रखा गया है. तो वहाँ पर क्या होता है, कैनल सतलुज रिवर से पानी लेता है और डेजर्ट एरिया पर काफ़ी पानी प्रोवाइड करते, कारण इरीगेशन पॉसिबिलिटीज़ हो गए. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू एंड बाय स्टूडेंट.